रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में दावेदारों ने जमकर हंगामा कर दिया है। नगर निगम चुनाव में टिकट के लिए दावेदार कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। कुछ दावेदारों ने टिकट कटने का जमकर विरोध किया और समर्थकों के साथ हंगामा कर दिया। वहीं एक महिला कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मिलने पर जान देने की बात कही है और जमकर बवाल किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया है, नाराजगी की वजह और लगभग कितने संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध जताया? देखिए, टिकटों का ऐलान शुरू हुआ नहीं है, पहले हंगामा शुरू हो चुका है और कांग्रेस के अलग अलग वार्डों से जो दावेदार हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। हालांकि कांग्रेस की जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, उसके अलावा जो अंदर है वो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में जो जगह है वहां पे एक महिला, खासतौर से महिला जो दावेदार थी वो काफी हंगामा कर रही है। सोनिया यादव जो कि एक मवाया वार्ड से उम्मीदवार थी, दावेदार थी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं जान दे दूंगी। और इसके अलावा जो दूसरी महिला है वो कामरान अंसारी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रही है, काफी हंगामा कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। और जो कांग्रेस के नेता है वो अंदर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उम्मीद देखी जा रही है कि इसी बीच में अगले घंटे के अंदर कांग्रेस के निगमों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी, जाहिर तौर पर जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, नाराजगी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है महज टिकट को लेकर, लेकिन कैसे समझा जाए कि कितने गुट यहाँ पर नजर आ रहे हैं? गुटबाजी तो शुरू हो ही गई है, लेकिन अलग अलग कितने गुट नजर आ रहे हैं? देखिए, जब पार्टी सत्ता में होती है तो गुटबाजियां सत्ता के इर्द गिर्द ही होती है, वो सारे के सारे गुट सत्ता के केंद्र के पास चले जाते हैं। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि गुटबाजी नहीं है बल्कि ये नए दौर के लीडर्स हैं जो वार्डों का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका, क्योंकि बाकी सारे जो बड़े लीडर्स हैं आक्रोश उनके डिसीजन के खिलाफ है, सभी मिलकर के कलेक्टिव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले जो लिए हैं, हालांकि वो फैसले अभी बाहर नहीं आए, उसके बावजूद ये लोग हंगामा कर रहे हैं और उस फैसले के खिलाफ है। तो ये जो आप देखिए, रुपेश, हमने तस्वीरों में देखा कि एक महिला कार्यकर्ता भबक भबक कर रो रही है, तस्वीरों में भी हमने देखा है, लेकिन उन्हें मनाने की या समझाने की जो कोशिश बड़े नेताओं द्वारा की गई होगी या कांग्रेसियों द्वारा की गई होगी किसी की तरफ से? अभी कोई बड़ा नेता नहीं है, शैलेश त्रिवेदी और गिरीश देवांगन जो कि प्रभारी महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उसकी महिला से बात करवाता हूँ, सोनिया यादव से। सोनिया जी, क्यों आप, सोनिया जी, क्या किस बात को लेकर के नाराजगी है, लिस्ट आई थी आप, किस बात को लेकर के नाराजगी है, लिस्ट आपकी आई नहीं? जी सोनिया जी, चलिए संपर्क टूट गया हमारा रुपेश से। हालांकि वो सोनिया जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और हम उसे लाइव सुन भी पाते कि क्या नाराजगी उनकी पार्टी से रह गई है। चलिए अगली खबर देख रहे हैं जहां